अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माकी बावर्ची। बेकिंग सीरीज़ है ये। आज से बेकिंग से रिलेटेड चीज़ बनाएंगे, तो उसका नाम थोड़ा सा बेकिंग सीरीज़ रख देंगे। तो पार्ट वन है आज की रेसिपी। तो बेकरी स्टाइल बटर कुकीज़ बनेंगी चार तरीके के। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर है एक पाव बटर, 250 ग्राम्स बटर, अनसॉल्टेड, सॉल्टेड जो आपके पास मौजूद हो वो ले लीजिएगा। 250 ग्राम्स, थोड़ा सा ये ठंडापन इसका कम हो जाए, नरम हो जाए अच्छी तरीके से। इसको फेंट लेंगे एक बाउल में डाल के, ताकि थोड़ा सा ये इसमें अच्छे से फूल जाइए। अच्छे से फेंटने के बाद कम से कम इसको 4-5 मिनट फेंटिएगा। उसके बाद इसमें 200 ग्राम जितनी मैं शक्कर पीस के डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर, आप बराबर भी डाल सकते हो क्योंकि मुझे थोड़ी सी कम मीठे पसंद है बिस्किट्स, तो इस वजह से। तो ये डालने के बाद, शक्कर डालने के बाद मैंने और 5-6 मिनट फेंटा, और उसके बाद वनीला एसेंस डाल दिया 1 टीस्पून जितना, और इसको फेंटा। कम से कम इसको आप 8-10 मिनट ज़रूर फेंटिएगा, ताकि अच्छे से ये क्रीम फॉर्म हो जाए। जैसे देख सकते हो सॉफ्ट पीक्स नहीं आ जाते जब तक फेंटेंगे। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है, आपके पास वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर 7-8 मिनट हाथ से भी फेंट सकते हो। थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी, बाद में ये खाने से आपका वेट फिर से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 किलो मैदा है, तो इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर लेवल, और 1/2 चम्मच नमक, और 50 ग्राम जो है कॉर्न, ये अपना मिल्क पाउडर 50 ग्राम, और 50 ग्राम ही कस्टर्ड पाउडर। और ये सारी ड्राई चीज़ें बटर वाले मिक्सचर में डाल दीजिएगा। हल्के हाथों से मिक्स कीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए हल्के हाथों से। और ये जो है अच्छे से मिक्स करना है आपको। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो अच्छे से मिक्स हो चुका। थोड़ा सा बर्तन मुझे छोटा लगा, तो ये थोड़ा सा बड़े बर्तन में इसको ले रही हूँ मैं, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/4 कप से भी कम मैंने थोड़ा थोड़ा करके 2-2 चम्मच जितना 3 बार दूध इस्तेमाल किया हुआ है। और ये थोड़ा सा और नमक डाल दिया इसमें मैंने, मुझे कम लगा, तो थोड़ा सा बस 2-2 चम्मच जितना मैंने 2 से 3 बार इस्तेमाल किया होगा, तीन बार इस्तेमाल किया है। और अच्छे से इसको आटे की तरह गूंद लिया है। और इसके मैं 4 हिस्से बनाऊंगी, क्योंकि 4 तरीके के हमें बिस्किट चाहिए, कुकीज़ चाहिए सॉरी। तो ये डालने के बाद एक में मैंने 1/4 कप जितनी टूटी फ्रूटी डाल दी, हरी और लाल। और ये डालने के बाद इसको रख देंगे साइड। देखिए अच्छे से इसको मिक्स किया टूटी फ्रूटी डालने के बाद। और यहाँ पर एक क्लिंग फ्लिंग रैप या फिर पन्नी कवर, जो भी आप ले सकते हो वो लीजिएगा। और इसको अच्छे से एक जगह पर स्प्रेड कीजिए। स्प्रेड करने के बाद अच्छे से बिछा लीजिए। बिछाने के बाद इसको क्या करेंगे, जो टूटी फ्रूटी वाला बिस्किट का मिक्सचर है वो डाल के इसको अच्छे से स्क्वायर शेप देंगे। इसको इसी तरीके से इसका स्क्वायर शेप आएगा। तो बस इसको अच्छे से देखिए थोड़ा सा क्लिंग फ्लिंग में इसको रोल कर देंगे, और इसका स्क्वायर शेप दे देंगे। इसको चकोर शेप हमें चाहिए, तो इस वजह से इसको रखेंगे अच्छे से साइड में, ताकि थोड़ा सा ये सेट हो जाए। तो दूसरा पोर्शन लेंगे, दूसरा हिस्सा, तो इसमें डाल देंगे कोकोनट। तो एक बाउल में लेके 1/2 कप जितना कोकोनट ये डाल दीजिएगा। कोकोनट डाल दिया, अच्छे से बस कोकोनट डाल के भी इसको मिक्स कर लीजिएगा। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा सख्त हो रहा है, तो थोड़ा सा बस 1/2 चम्मच जितना दूध डालिएगा, वरना ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, बट थोड़ा सा आपको ड्राई लगा, एकदम रूखा रूखा लगा तो ही डालिएगा। तो ये डालने के बाद यहाँ पर आ चुकी है बारी थर्ड वाले कुकीज़ की, ज़ीरे के कुकीज़। 1/2 चम्मच जितना मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। इसमें भूनने की भी ज़रूरत नहीं, आप भून के कूट के भी डाल सकते हो, या फिर ऐसे भी डाल सकते हो। ये 1/2 चम्मच ज़ीरा डाल के भी इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा आप नमक और भी डाल सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। जब आप बेक कर रहे हो 2-3 चुटकी आप तब भी उड़ा सकते हो, हल्का सा स्प्रिंकल कर सकते हो। तो ये हो चुके हमारे 3 तरीके के बिस्किट के मिक्सचर तैयार। एक तो रखेंगे प्लेन वाला, तो ये टूटी फ्रूटी वाला तो अच्छे से सेट हो ही चुका है। तो थोड़ा सा इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हो आप, 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखिए। अगर 10-15 मिनट रख रहे हो तो फ्रीज़र में रख दीजिए। और ये रखने के बाद इसको थोड़ा सा ये हार्ड हो जाए, सेट हो जाए, उसके बाद इसके पीसेस काट लेंगे। एकदम पतले पतले पीसेस काटिएगा, देखिए इस तरीके से। और जिसे नज़र आ रहा होगा आपको,
अच्छे से इसके पीसेस मैंने काट लिए हैं, और अवन जो है 180 डिग्रीज पर मैंने दोनों रॉड्स ऑन किए हुए हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला भी, और इसको प्री हीट मैंने 6-7 मिनट के लिए कर लिया होगा। और दूसरे कुकीज़ के लिए देखिए इस तरीके से सारे मैंने टूटी फ्रूटी वाले लगा दिए बेकिंग ट्रे पर, और ये कोकोनट कुकीज़ को शेप दे देंगे सिंपल, जैसे गोल टिक्की बनाते हैं उसी तरीके से बना लीजिएगा रफली एक हिसाब के, एक साइज़ के। तो उसके ऊपर जब रख रहे हैं बेकिंग ट्रे पर, थोड़ा सा कोकोनट ऊपर से लगा कर ही रखिएगा तो अच्छा लगता है, जब बेक होंगे तो बहुत ही सोंधी खुशबू की है कुकीज़ हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। और ये जब तक दूसरे बन रहे हैं तो ये बेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको 10 से 12 मिनट आपको लग जाएंगे बेक होने में, 15 मिनट का रखिए टाइमर ऊपर नीचे दोनों रॉड्स ऑन करके। और चौथे वाला जो है कुकीज़ सादे वाला, इसका भी मैं शेप जो है स्क्वायर दूंगी, इस वजह से शेप दे के इसको रख दूंगी। उसके बाद जब तक जीरे वाले कुकीज़ बेल लेंगे तब तक ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मौसम इस वक्त ठंडा है तो ये नहीं पिघल रहा, अगर आप गर्मियों में बना रहे हो तो इसको डेफिनेटली फ्रिज में रखिएगा। तो ये जो है अच्छे से दूसरे जीरे वाले कुकीज़ का मिक्सचर बेल लेंगे इस तरीके से, आधा इंच जितना इसकी थिकनेस रखिएगा, और इसके बाद इसको बेल के काट लेंगे इस तरीके से। कोई भी आपके पास कुकी कटर हो, राउंड हो, इस तरीके का हो, कोई भी हो, या फिर हाथ से भी जैसे मैंने कोकोनट कुकीज़ बनाए उस तरीके से भी आप बना सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो इसी तरीके से सारे बेल लेंगे, और कम से कम 4 मिनट लग जाएंगे मुश्किल से आपको इसको बेलने में। तो अच्छे से बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट्स में आपके अच्छे खासे कुकीज़ जो है बनकर तैयार हो जाएंगे घर में। और यहाँ पर इसी तरीके से सारे कुकीज़ मैंने बना लिए हैं, बेलिएगा, कट कीजिए और फिर बेलिए। और ये बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो ये जो है बन चुके हैं, इसको मैं बेकिंग ट्रे पर या फिर इस तरीके की अल्मोनियम की प्लेट में मैंने रख लिया है, रखने के बाद इसको मैं बेक कर लूँगी, इसको भी 15 मिनट 180 डिग्रीज पर, ऊपर नीचे रॉड्स ऑन कीजिए और रख दीजिए। यहाँ पर इसी तरीके से मैं नीचे वाले हिस्से में रख दे रही हूँ, और ये जो है इसको आखिरी वाला प्लेन वाला हिस्सा बिस्किट्स का, इसको भी पतले पतले एकदम थिन थिन रखकर और चाकू की मदद से इसका इस तरीके से शेप दे रही हूँ मैं, या फिर आप स्क्रीवर की मदद से भी इस तरीके से निशान लगा सकते हो, या फिर चाकू की मदद से भी आसानी से लगा सकते हो, थोड़ा सा ये अच्छा लगने के लिए लुक वाइज, तो लुक वाइज खूबसूरत लगे इस वजह से, बस दूसरा कोई बात नहीं है। बस ये भी मैं क्रम ट्रे के ऊपर रख के इसको भी रख दे रही हूँ 10-15 मिनट के लिए। और ये जो है हमारे कुकीज़ बनकर बेक होकर ठंडे हो चुके हैं एकदम बेहतरीन से, एकदम खस्ता और अंदर से सॉफ्ट। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आए तो बना के ज़रूर खाइएगा। ये बेकिंग सीरीज़ आपको कैसी लगी और क्या देखना चाहते हो आप, जैसे कि बिस्किट्स हो गए और काफ़ी तरीके के, जो भी आप देखना चाह रहे हो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही बेहतरीन कुकीज़ हैं, अगर आप सिंगल सिंगल देखना चाह रहे हो तो वो भी इंशाल्लाह बना दूँगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी और क्या देखना क्या चाहते हो आप वो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो, नए हैं चैनल पर तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे और दूसरे लोगों को अच्छी रेसिपीज़ पहुँच पाएँ। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बनाए खाएं, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।